और विंडो को ऐड करना, ये एडिटिंग वाला टॉपिक रहेगा अपना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक वॉल कमांड यूज करा था हमने, यहाँ पर 4 इंच का एक वॉल यूज करते हैं, ठीक है। ये वॉल मैंने यहाँ पर 4 इंच का यूज कर दिया है, साइज 20 फीट की जगह 15 फीट कर दिया मैंने इसका। दूसरी चीज ये है, इसके अनकनेक्टेड कनेक्टेड डेफिनेशन नहीं है, तो ये भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया फर्स्ट डोर टू सेकेंड डोर। अब यहाँ पर आप डोर ऐड करना है, मैंने यहाँ पर सबसे पहला सिंपल डोर लिया है, यहाँ पर क्लिक करा और डोर लगाया मैंने 36x84, 36x84 का डोर यहाँ पर ऐड करा। अब होता क्या है, टैग ऑन प्लेसमेंट को अपन डिसलाइक कर देते हैं, एडिट टाइप में जाके 3D व्यू में जब आप देखते हो तो ये डोर आपका इस तरीके से दिखता है। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये जो डोर बनाया है इस डोर को मेरे को एक छोटा डोर बनाना है जिसका साइज रखना है मुझे 2.5 फीट का। जैसे लेट बाथ में जनरली जो डोर होते हैं वो 2.5 फीट के लगते हैं, लिविंग एरिया में डोर जो लगेगा 3 फीट का लगेगा, बेडरूम में जो डोर लगेगा 3 फीट का लगेगा, ठीक है। ये डोर के हमारे साइज होते हैं, लेकिन होता क्या है कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे बेडरूम है तो बेडरूम में क्या करते हैं वो 30 इंच का डोर भी लगा देते हैं। जैसे 36 इंच का डोर लगना चाहिए, सिंपल सा मेथड है, 36 इंच का डोर लगना चाहिए, तो वो क्या करते हैं कहीं कहीं पर 30 इंच का भी लगा लेंगे। तो हमारे पास सारे डोर होना चाहिए, जैसे अगर मैं प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, देखिए दिख रहा है 30 इंच का डोर भी मेरा, 30 इंच बाय 80 इंच, ठीक है। तो मेरे को 30x84 चाहिए रहता है, मतलब 7 फीट का चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या करना, 2 फीट का डोर चाहिए, 2 फीट का डोर नहीं है, ये 30 इंच का डोर है, मैं 30 इंच का डोर भी लगा सकता हूँ बेड बाथ के लिए। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 फीट का डोर बनाना पड़ेगा। तो 2 फीट का डोर कैसे बनाएंगे हम, उसको एडिट प्रॉपर्टी से बनाएंगे। डोर कमांड पे आपने क्लिक करा, जब डोर पे क्लिक करा प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पर हमारे को डोर नहीं मिला, 24 इंच का डोर चाहिए, 24x7 फुट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर डोर था तो इसके बाद में मेरे पास एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं एडिट प्रॉपर्टी। देखिए एडिट प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फॉर द फैमिली फैमिली टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सिलेक्टेड एलिमेंट। कोई से भी एलिमेंट को आप सिलेक्ट करें एंड देन उसके पैरामीटर, जो भी पैरामीटर होंगे वो पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लिक करा एडिट पे, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया विंडो ओपन होता है जिसको बोलते हैं हम टाइप्स प्रॉपर्टी। ये टाइप प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हर चीज के अंदर एक्टिव होगा, ये विंडो के अंदर भी आएगा, डोर के अंदर भी आएगा, वॉल के अंदर भी आएगा, रूफ के अंदर भी आएगा, हर कमांड में ये वाली प्रॉपर्टी हमारे डिजाइन के अंदर आती है। अभी हम बात कर रहे हैं डोर का एडिट प्रॉपर्टी, तो मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करा है। जब इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लोड का, एक आ रहा डुप्लीकेट का और एक आ रहा रीनेम का, एंड देन यहाँ पर सारे पैरामीटर। अभी हाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पैरामीटर हमारे पास दे रखे हैं, डोर का कलर दे रखा है, डोर का मटेरियल दे रखा है, डोर की थिकनेस दे रखी है। फिलहाल मुझे सबसे पहले यह करना पड़ेगा, इसको डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए डुप्लीकेट क्यों करें, क्योंकि ये 36x84 36x84 इंच का डोर है, अगर आपने इसको डुप्लीकेट नहीं करा और इसी के ऊपर चेंज कर दिया तो अभी फिलहाल आपका 36 इंच का डोर है, मतलब 3 फीट का डोर है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 फीट का डोर ही छोटा हो जाएगा। फिर बाद में अगर आपको 3 फीट की जरूरत पड़ेगी डोर की तो डोर मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर डुप्लीकेट पे क्रिएट करा, अब डुप्लीकेट पे क्रिएट करा, मेरे को यहाँ पर डोर चाहिए तो मैंने कर दिया यहाँ पर 2 फिट। आप 2 फिट लिख रहे हैं, जैसे इंच में चल रहा है तो मैं सब 2 इंच ही ले लेता हूँ, 24 इंच बाय। अब मेरे को कितना लेना है, मेरे पास यहाँ पर जो डोर बन रहा है वो लेना है मुझे 7 फिट का, ठीक है, या फिर अपन 6 फिट का डोर भी ले सकते हैं। तो अभी मेरे 84 ही ले लिया, 84 इंच यहाँ पर मैंने इसको कर दिया अपडेट, 24x84 इंच। देन ये लिखने से हमारा डोर के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, आपको यहाँ पर जाके पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। ये दिख रहा है हमारा पैरामीटर विंडो, अब यहाँ पर मेरे पास डोर की थिकनेस हमेशा 2 इंच ही रहती है, 2 इंच रखना है। फिर यहाँ पर आ रहा है डोर का हाइट, अब मैंने ऊपर तो 84 लिख दिया है बट इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 72 कर दिया, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 6 फिट कर दिया। इसको भी मैं एडिट ये रीनेम कर देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा 72, रीनेम कर दिया मैंने उसको, ठीक है, यहाँ पर कर दिया मैंने उसकी हाइट 6 फीट। अब ये दो चीज आती है, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाली चीज है, एक है ड्रीम प्रोजेक्शन एक्सटीरियर, एक है ड्रीम प्रोजेक्शन इंटीरियर और एक है ड्रीम बिल्ड। ये जो 3 ऑप्शन आ रहा है, अभी फिलहाल आप इसमें कुछ भी चेंज मत कीजिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें कैसे चेंज करना। अभी ये विड्थ है जो हमारे पास 3 फीट का विड्थ है, इसको कर दिया मैंने 2 फीट, आपको फीट का सिम्बॉल लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेजर चेंजेस करे हमने, एक हमने हाइट को चेंज कर दिया और दूसरा ऑप्शन है हमने विड्थ को चेंज कर दिया, दोनों चीज को हम चेंज कर चुके हैं यहाँ पर। देन मैंने इसको ओके करा, जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर डोर क्रिएट हो गया आपका 24 इंच बाय
72 इंच, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, देखिए स्क्रीन पे 3D फेस पे भी जाके देखेंगे तो ये डोर हो गया हमारा छोटा। ये डोर हमने यहाँ पर साइड कर दिया। अगर मैं साउथ फेस को कॉल करता हूँ, साउथ फेस पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैंने यहाँ पर डायमेंशन कमांड यूज करा, यहाँ से यहाँ तक का डोर का साइज दिया 2 फिट और यहाँ से यहाँ तक का डोर का साइज दिया ये 6 फिट आ गया। और इधर वाले डोर की बात कर रहे हैं तो ये डोर यहाँ पर साइड हो गया और इसकी बात कर रहे हैं तो ये 7 फिट हो गया। तो ये बहुत इजी तरीके से हमारा यहाँ पर सेगमेंट बन गया। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो डोर को एडिट करना। इसके पहले आपको ये करना पड़ेगा, जब भी डोर एडिट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज ऐड करना पड़ेगा। अब उसके अंदर दूसरे ऑप्शन भी थे, उनका मतलब बताऊँ। देखिए वापस से मैंने क्लिक करा, एडिट टाइप पर गया, एडिट टाइप पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ हाइट चेंज कर दी, थिकनेस भी चेंज नहीं करना, ट्री प्रोजेक्शन एक्सटीरियर इसको कर दिया मैंने 6 इंच, ठीक है, ट्री प्रोजेक्शन इंटीरियर इसको भी कर दिया मैंने 6 इंच, ये जो था 3 इंच, ये सारी चीजें कहाँ पर चेंज हो रही है, जो फ्रेम दिख रही है ना आपको, ये सारा चेंजेस इस फ्रेम में होगा, मैंने इसको कर दिया 8 इंच का, ठीक है। अब जब आप इसको अप्लाई करेंगे देन ये डोर के अंदर देखिए आपको चेंजेस दिख जाएगा। मेरा प्रोफाइल को मैंने जो डोर के पास में जो फ्रेम बनी रहती है उस फ्रेम को भी आप चेंजेस कर सकते हो, जो हम चौखट बोलते थे जिसको। तो अगर हम चाह रहे हैं फ्रेम को चेंज करना तो ये हमारा फ्रेम वाला ऑप्शन भी चेंज जाएगा। एडिट डेफिनेशन पे गया, ये जो फ्रेम था हमारा ये 1 इंच का था, इसके नीचे वाला जो सेक्शन की बात करेंगे ये भी हमारा 1 इंच था, ये जो था हमारा ये भी 3 इंच का था। तो ये हमारा बेसिक जो डोर बनता है वो ये इस तरीके से, मतलब हम फ्रेम के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। दूसरी चीज ये आती है कि आप इसको सिलेक्ट करें एंड देन क्लिक करें अगेन ऑप्शंस पे एंड देन यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं मटेरियल वाला ऑप्शन। देखिए 2 मटेरियल ऑप्शन दे रखा है, एक है डोर का मटेरियल यहाँ पर लिखा है डोर पैनल, और एक फ्रेम का मटेरियल उसका नाम है डोर फ्रेम, ये मटेरियल के नाम है। आप इस पर क्लिक कीजिए देन मैंने यहाँ पर आइकन पे क्लिक करा, जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा जिसको बोलते हैं मटेरियल एडिटर विंडो। देखो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि ये विंडो बहुत लेंथी हो जाता है। जब ये विंडो ओपन होगा तो ये यहाँ पर ये मटेरियल ब्राउजर करके विंडो ओपन हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मैंने स्टोन का मटेरियल देखो यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया डोर के ऊपर, और ये फ्रेम मटेरियल पैनल जो है फिलहाल इसको चेंज नहीं करा, इसको अप्लाई कर दिया, इसको डन कर दिया। जब मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको जो मटेरियल लगाना है उसको देखने के लिए रियलिस्टिक फेस रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ रियलिस्टिक फेस पे जब क्लिक करूंगा तो जो एक्चुअल मटेरियल होगा ड्राइंग का वो शो हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने कोई सा डोर बनाया है, उस डोर के अंदर कुछ मटेरियल आपको चेंज भी करना है, तो आपके पास प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी पे जाकर आप उसका मटेरियल चेंज कर दीजिए। ग्लास का पैनल बनाना है, जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पर गया, देन ये मैंने यहाँ पर स्टोन मैसनरी लगाया था, इस पर क्लिक करा। अब इसके अंदर देखते हैं हमारे पास ग्लास के मटेरियल होंगे तो हम ग्लास मटेरियल भी लगा दें। ये रहा मेरे पास ग्लास, इसको अप्लाई कर देते हैं, ये ग्लास हो गया। लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ चीजों को ऐड करना है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मटेरियल कैटेगरी में जाके आपको न्यू मटेरियल पे जाना पड़ेगा, देन मटेरियल बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं तो ये मैनेज के अंदर एक कमांड होती है जिसके अंदर मटेरियल कमांड होती है, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा नए मटेरियल मिल जाते हैं। अब ये सब ये सब लास्ट में पढ़ेंगे, जब एलिवेशन कंप्लीट हो जाता तब उसके बाद की बात होती है। लेकिन अभी हमारे पास सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हमारा जो भी एडिटिंग वाला जो सेक्शन होता है डोर का, वो सारी एडिटिंग आपको यहीं पर करना। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, अगर आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो वो डोर के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे कि सपोज अगर आपने यहाँ पर 5-6 डोर लगा रखे, मैं इसके अंदर देखिए एक चीज करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको कर देते हैं 40 फिट की, ठीक है, और यही हमारे शेप के जो मटेरियल है असाइन करते हैं, जो अपने डोर लगाया ना, ये एक ही जैसे डोर हमने बहुत सारी जगह पे लगा दिए। 3D फेस जब हम इसका देखते हैं ये बहुत सारी जगह पे लगे हुए डोर, ठीक है। अब मैंने डुप्लीकेट नहीं करा, मैं इस पे एडिट पे क्लिक कर दिया, यहाँ पर गया ये ऑप्शन पे, मैंने मटेरियल वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, आपकी फाइल के अंदर जितने भी मटेरियल लगे हुए होंगे, मैं वापस से वही मटेरियल लगा रहा हूँ जो पहले लगा हुआ था, देन डन करते हैं। अब ये सभी पे चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने डुप्लीकेट नहीं करा। अब जैसे मैंने ये वाला जो डोर था मेरे पास, मैंने इसी डोर को सिलेक्ट करा है, देन एडिट टॉप पे गया और इसको डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ पर आ गया
24 72 सेकंड, दो नंबर ले लिया उसने, मतलब उसने नंबर को टू कॉल किया। यहाँ पर मैंने फिर इसके एडिट प्रॉपर्टी पे क्लिक करा, और एडिट प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पर मैं एक मटेरियल असाइन करता हूँ, ये वाले मैंने स्टोन मटेरियल फिर से ऐड करा इसके अंदर, देन प्रॉपर्टी को ओके कर दिया। तो अभी सिर्फ उसी जगह पे ऐड होगा, बाकी दूसरी जगह पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने डुप्लीकेट बनाएगा। तो ये डुप्लीकेट कैटेगरी मटेरियल जब भी हम पढ़ाएंगे तो ये डोर वाला पैनल होता है, ठीक है, समझ में आया? ये होता है हमारा डोर सेक्शन।